तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे सस्ता और अच्छा कोर्स जो कि आपको एक आईटी लाइन में डेवलपर बना सकता है, या फिर आप नेटवर्क सिक्योरिटी क्लाउड या लिनक्स वगैरह में आप जा सकते हो। एक बेसिक सा कोर्स जिसको आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताने वाला हूँ वो है BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि जब भी आप कहीं से BCA करते हो ना, तो एक वो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होती है, वो भी टेक्निकल, तो जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन पे बेसिकली काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन मेंशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ डेवलपर ही बन सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो या मतलब क्लाउड में जा सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री हो जाती है वो भी टेक्निकल, तो आपके पास बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं। आप IT सपोर्ट में जा सकते हो, सर्विस डेस्क में जा सकते हो, क्लाउड में जा सकते हो, लिनक्स में जा सकते हो, IoT में जा सकते हो, जावा में जा सकते हो, PHP, मतलब जितनी भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी हैं IT सेक्टर में आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर आप BTech नहीं करना चाहते हो तो BCA करने के बाद भी आप इन टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकते हो और सेम पैकेज आपको मिलता है। MNC कंपनीज में होता क्या है, आपका कुछ टाइम बाद ना, जब 2 साल, 4 साल, 10 साल हो जाते हैं, तो आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा या बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा कि जब वो फ्रेशर होते हैं ना, जब पहली जॉब उनके लिए होती है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। पता चलता है 20-30 इंटरव्यूज़ वगैरह दे डालते हैं और उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है, और वही जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है 4 साल, 5 साल या 10 साल, तो आप कहीं भी इंटरव्यू देते हो तो आपका मोस्टली एक बार में सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है, एक बार या 2 बार, मैक्स 3 बार में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है अगर आप उसी फील्ड में जॉब ट्राई करते हो। अगर आप किसी फील्ड को पढ़ के जाना चाहते हो आगे, तो फिर वहाँ पे भी डिफिकल्ट होता है, बट आने वाले कुछ टाइम के बाद आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, फिर आपको जॉब स्विच करने में या आपका पैकेज हाई मिलने में उतनी डिफिकल्टीज नहीं होती हैं। तो BCA है अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हो जो कि विलेज साइड में है, तो वहाँ से अगर आप BCA वगैरह करते हो तो आपको बहुत ही कम कॉस्ट में वो पड़ जाता है। अगर आप कहीं हाईटेक सिटी से करोगे, लाइक जैसे दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, गुजरात, इन सिटीज़ में अगर आप कहीं जाते हो और करते हो, तो वहाँ पर कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ फीस भी होती है, हॉस्टल फीस भी होती है। तो बेटर यह है कि आप देखो कहीं आसपास अपने एरिया में, अगर रूरल एरिया है उस साइड, तो वहाँ पे आपको BCA के जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे आप अपनी ग्रेजुएशन लो, और किसी बड़ी सिटी में आके आप वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह करो, और इसके बाद IT सेक्टर में बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी आप वो जिस किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।